संकल्प यात्रा जो प्रधानमंत्री की वह जो पूरे देश में चल रही है और उसी क्रम में आज यह सहरूज ग्राम सभा में माध्यम से जो सरकार की भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो नई योजनाओं को के बहुत से लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग इस योजना का लाभ अब तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसके माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है कि जो वास्तविक पात्र व्यक्ति हैं जो वंचित हैं उनको जो योजनाएं हैं उनका शीघ्र से योजना में आवास है, शौचालय है, वृद्धा पेंशन है, किसान सम्मान निधि। संकल्प यात्रा के क्रम में आज सहरूज ग्राम सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास की गाड़ी आई थी LED TV और सभी विभाग के लोग यहाँ स्टॉल लगाए थे। मेन इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अंत्योदय का विकास, जो दीनदयाल उपाध्याय जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का विचारधारा है कि अंत्योदय का अंतिम पंक्ति व्यक्ति का कैसे विकास होगा, इसी क्रम में आज सहरूज ग्राम सभा में ये चौपाल लगा था और लोग आए हैं। जो भी भारी संख्या में आप देख रहे हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं था वो लोग रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं और यहाँ 100% समाधान होना है सबका, तो ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित जगह रह रहे हैं जहाँ देखिए धीरे धीरे सुधार हो रहा है। शुरुआत में थोड़ी समस्या थी लेकिन सभी लोगों को अब मालूम चल गया है कि हमें जाना है, तो आज देखिए इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है तो और कल और अच्छा होगा, इस तरह सुधार। हमारे ग्राम सभा में एक चौपाल हमारे पंचायत भवन में लगाया गया था। चौपाल इस लिए लगाया गया था कि जो सरकार की योजना जो हमारे गांव के लोगों या और जन के लोगों को नहीं मिल रहा है, उसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ चौपाल लग गया कि गांव के लोग आए और सभी विभाग के लोग यहाँ पर आए थे, सबका स्टॉल लगा हुआ था और हर योजना के बारे में जनता को अवगत कराया गया और राजस्व विभाग आया था, स्वास्थ्य विभाग था, ग्राम पंचायत विभाग था और कृषि विभाग था और पेंशन का राशन का जो भी विभाग है ये सारे विभाग यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था और सभी पर हमारे गांव की जनता ने रजिस्ट्रेशन कराया। जनता की दो ही समस्या होती है, एक आवास एक पेंशन, क्या विभाग ने क्या किया? जी हम गांव की जनता में हमारे गांव की जनता को दो प्रॉब्लम है, एक आवास और एक पेंशन, दोनों स्टॉल यहाँ लगा हुआ था। जनता ने वो अधिकारीगण या जो कर्मचारीगण आए थे उनसे बातचीत किया और उनके योजना के बारे में हमारी जनता ने समझा।